नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और उपस्थित हूं आपके बीच में शाम की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने भी कोरोना महामारी में दिया योगदान। जी हां, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंकों में आता है, जिसकी प्रदेश में 866 शाखाएं हैं। इसमें बैंक के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारियों ने कोरोना वायरस से जूझ रही सरकार को आर्थिक सहयोग देने का निर्णय लिया। समस्त अधिकारी कर्मचारियों के आग्रह से एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने 39 जिलों में कार्यरत तथा प्रधान कार्यालय इंदौर के अधीन कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा 65,01,682 रुपये एकत्रित किए। एकत्रित राशि में से 46,74,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में तथा 18,26,848 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए। उक्त जानकारी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव अजय तिवारी एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के महासचिव आदित्य भार्गव द्वारा दी गई। देखें बड़नगर से इंदर की ये रिपोर्ट। ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, इसकी 866 शाखाएं 39 जिलों में कार्यरत हैं। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या लगभग 3,000 है और इन कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोरोना महामारी के कारण शासन एवं प्रशासन को जो आर्थिक कठिनाइयां हो रही है उनसे जूझने की ताकत देने के लिए निर्णय लिया कि अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री केयर फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाए। इस हेतु एसोसिएशन ने बैंक के अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी से आग्रह किया कि वे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दिन का वेतन अर्जित अवकाश के रूप में नकदीकरण करके और उपरोक्त फंडों में जमा करवाएं। हमारे एसोसिएशन के आग्रह को बैंक के अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी द्वारा स्वीकृत किया गया और सभी कर्मचारियों अधिकारियों का एक दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण करके और ₹65,01,682 एकत्रित किए गए। इन रुपयों में से 48,74,834 रुपये प्रधानमंत्री केयर फंड को दिए गए तथा 18,26,848 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए। बैंक के अध्यक्ष द्वारा दिखाई गई संवेदना को एम्प्लाइज एसोसिएशन और ऑफिसर एसोसिएशन उनके इस कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त करती है तथा जितने भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस फंड में अपना सहयोग दिया उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती है। मैं अजय तिवारी, महासचिव मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां बेलवा गांव के अल्ताफ अली हाशमी बने मसीहा। जी हां, कपसेठी थाना अंतर्गत बेलवा गांव के मुसलमान बस्ती के रहने वाले अल्ताफ अली हाशमी का कहना है कि पीएम मोदी के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन जनता के हित के लिए है। मैं इसका पालन करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर अपने अपने घरों में रहें। अल्ताफ अली हाशमी का कहना है कि मैं पीएम मोदी से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत बेलवा, कमलहा, पूरे नंदा आदि गांव जिनकी जनसंख्या लगभग 13,000 है, इन सभी गांव में जाकर कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए इन सभी गांव को सैनिटाइजरिंग करवा कर ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूं। वहां पर उपस्थित सलाउद्दीन, परवेज हाशमी, अखिलेश पांडे, मकसूद हाशमी आदि लोगों का कहना है कि 3 सालों में अल्ताफ अली हाशमी 14 हैंड पंप और ज़रूरतमंद लोगों को पैसे से लेकर हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। देखें कपसेठी से पंकज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पंकज पटेल, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लोग बेलवा गांव के मुसलमान बस्ती में, यहां पे अल्ताफ हाशमी हमारे भाई हैं जो कि ये गरीबों को मुफ्त में अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए हैं। आइए अल्ताफ हाशमी जी से इसके बारे में बात करते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? अल्ताफ अली हाशमी। हाँ, बताइए क्या क्या कार्य किया आपने इस गांव में? और मैंने यहाँ पे तो 4 साल से लगभग कम से कम 14 हैंडपम्प लगाया है जी, और गरीब जिनके घर में मरनी पड़ जाती उनके घर में 5,000 रुपया भेजता हूँ तेरे ही करने के लिए,
और जिनके घर में शादी होती है, लड़की की शादी में 5,000 रुपया उन्हें शादी में दिया जाता है। और इस महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल कार्ड और सफ़ेद कार्ड वालों को, नरेगा वालों को मुफ्त राशन बंटवाया था, इसलिए मैंने भी अपनी बस्ती में, अपने गांव सभा में जिनको मुफ्त में अनाज नहीं मिला उनको मुफ्त में अनाज मैंने अपने पैसे से उन्हें दिलवाया। कितना गांव में दिया आपने, कौन कौन सा गांव? हमारे 3 गांव का मौजा है, गांव बिलवा और कमलहा और नंदापुर। तो इसके बारे में आप सरकार से कुछ करना चाहेंगे? जी, सरकार से तो यही कहेंगे कि सरकार जहाँ तक हो सके गरीबों को मुफ्त में ही राशन मुहैया कराए, ताकि जिसको जरूरत है उसे उस जरूरत को पूरा हो सके। अच्छा, एक बात और ये बताइए, जो लॉकडाउन हुआ है इसके लिए कुछ करना चाहेंगे? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, वरना आज हम लाखों की संख्या में हमारा हाल होता था। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने स्टेप लिया है बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अच्छा, ये जो आपने राशन बांटा या सैनिटाइजर किया, ये आप अपने व्यक्तिगत पैसे से किया? जी, मैं ये अपने व्यक्तिगत पैसे से किया। आप बताइए क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। कौन सा थाना लगता है ये? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम किए हैं बहुत ही सराहनीय काम हुआ है गाँव में हमारे। और ये लॉकडाउन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन बहुत अच्छा है, जब तक बढ़ता रहे, जब तक मरीज मिलते रहे तब तक बढ़ाते रहे, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। और बताइए और कुछ बोलना? बोलो ना। और किसी कुछ बोलना है? तो बताइए, मोदी जी जो भी काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं गरीबों के लिए, हम लोग का सेवा ऐसे ही करते रहे, मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब भाई उपस्थित है, और मैं पंकज पटेल, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और ये देखें यहाँ पे सब जो भी भाई है हमारे, ये गरीबों के लिए को ध्यान में रखते हुए जो भी इनसे बन सका है ये उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। अगली खबर यूपी के मिर्जापुर जिले से है, जहाँ फ्लैग मार्च के दौरान कोरोना वारियर्स पर पुष्प वर्षा किया गया। जी हाँ, यूपी के मिर्जापुर जिले के अंतर्गत जमालपुर थाना क्षेत्र में SHO अवनीश तिवारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नसीहत दिया गया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता ने फ्लैग मार्च में शामिल कोरोना वायरस से जनता को बचाने वाले बहादुर योद्धाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जमालपुर कस्बे से होते हुए जलालपुर थाना मठना तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस पुष्प वर्षा के कार्यक्रम में क्षेत्र से के सम्मानित संभ्रांत लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें ज्ञान सिंह, राणा प्रताप सिंह, विजय सिंह, शक्ति सिंह, ओमकार नाथ त्रिपाठी इत्यादि लोगों ने पुष्प वर्षा कर सुरक्षा कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। देखे जमालपुर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाएं, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, अफीम, डोडे, पोस्त, गाजा, चीटा, सरा और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करे। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नजदीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002, 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है।
जीप के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नजदीकी धर्मकंडर गांधी रोड मोगा पंजाब, मोबाइल नंबर 9578400003, 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा, मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां एडिशनल SP के नेतृत्व में पुलिस के जवानों का रूट मार्च निकाला गया है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी में लॉकडाउन 3 के दौरान बाजार खुलने की सशर्त अनुमति के बाद एडिशनल SP OP सिंह ने दुद्धी कस्बा व कई वार्डों में रूट मार्च किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों व कस्बा वासियों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया। कहा कि आज से सशर्त दुकान खुलने की अनुमति मिलने के बाद लोग यह ना सोचें कि उन्हें महामारी से कोई खतरा नहीं है। बताया कि खरीदार और दुकानदार का मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। वहीं दुकानदारों में सोशल डिस्टेंस के साथ सामानों की खरीद बिक्री करना जरूरी है। इसके लिए समय सारणी निर्धारित है। रोस्टर के मुताबिक खुले दुकान शाम 6 बजे हर हाल में बंद हो जाएं। अगर इसका उल्लंघन किया तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। CEO संजय वर्मा ने कहा कि कोई भी दुकानदार अगर रोस्टर का उल्लंघन कर खुलते हैं तो उनके स्वामी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश यादव, ASI वंश नारायण सिंह के साथ पुलिस व PSC के जवान मौजूद रहे। रूट मार्च में पुलिस की वाहन पर पुलिसकर्मी माइक से अनाउंस कर जन जागरूकता फैला रहे थे। देखे दुद्धी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। था इसका और क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, दुद्धी ही नहीं, प्रतिदिन पुलिस पहले जैसे जब लॉकडाउन चालू हुआ था, लॉकडाउन फेज 1 की बात रही हो या लॉकडाउन फेज 2 की बात रही हो या इधर जो लॉकडाउन फेज 3 चल रहा है, ये पूरे जनपद में अलग अलग टाइम पे बाइक रैली निकाली जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका मकसद ये रह रहा है कि एक तरफ जो पहले से पब्लिक को अवेयर किया गया, पब्लिक को जो बताया गया है कि ये जो भयानक बीमारी है कोरोना, इसके संक्रमण को रोकने के लिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, किस तरीके से सोशल गैदरिंग नहीं होना चाहिए, सारी बात बताने के साथ साथ हम इस बार जो आपका आप पूरे जनपद में जो लॉकडाउन 3 का जो चल रहा है, इसमें तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से रियायतें दी गई हैं, रियायतें इस आधार पर दी गई है क्योंकि आपका जनपद, ये जनपद सोनभद्र, ये ग्रीन जोन में है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि ये अगर किसी कारण से ये जोन ग्रीन से बदल करके कहीं अगर दूसरे जोन में पहुंचेगा तो ढेर सारी सहूलियतों स्वतः उस पर प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से लोगों को जो भी सहूलियत दी गई है आवश्यकता के अनुरूप उसका यूज करें। रात में किसी भी स्थिति में 7 बजे से लेकर के सवेरे 7 बजे के बीच में किसी तरीके कोई गतिविधि ना हो। इसके अलावा जो बार बार उनको बताया जा रहा है कि आकस्मिकता के स्थिति में या जरूरत की स्थिति में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, स्वतः सोशल डिस्टेंसिंग प्रयोग करें, उसके लिए किसी पुलिस को वहाँ डंडा लेके खड़ा होने की आवश्यकता कतई नहीं है। लोग अनावश्यक रूप से
बाइक पे सिंगल चले, डबल ना चले। अगर कोई फोर व्हीलर से चल रहा है तो उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो लोग मैक्सिमम बने। ये नहीं कि अब कौन यहाँ पुलिस नहीं आ रही है या गांव देहात का एरिया है, बात सिर्फ पुलिस की नहीं है, बात ये है अपने समाज को, अपने जनपद को, अपने देश को संक्रमण से फ्री करना है। और इसका आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि अपने आप को संक्रमण से बचाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, घर से जो बाहर रह निकला जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जितनी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। यही कारण था कि हम लोग यहाँ फ्लैग मार्च करके या पूरे जनपद में जो फ्लैग मार्च हो रहा है, लोगों को एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस तरीके से अब तक जितने लोगों ने जो त्याग दिया है, जो समर्पण दिया है, जो कोरोना के विरुद्ध जंग है उसमें सब लोगों ने मिलकर के सहभागिता निभाई है, उसी तरीके से पेशेंस बनाए रखें, पेशेंस न छोड़ें किसी भी स्थिति में। ये जो जरूरी चीजें हैं इसके प्रति लापरवाह न हो और कोरोना के जंग में अंततः सभी लोग अगर साथ देंगे तो हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। कुछ दुकानें अगर खुली हुई हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप लोग मेंटेन करें, ये विशेष रूप से आपके माध्यम से मुझे कहना था। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है जहां गंगा नदी उस पार उठा रेतीला बवंडर। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के गंगा नदी के जैन घाट के उस पार राजघाट पुल के नीचे से उठा रेतीला बवंडर जो रामनगर किले की ओर बढ़ता चला गया। लॉकडाउन के कारण गंगा घाटों का दृश्य अलौकिक व जल निर्मल हो गया है और वातावरण भी खुशनुमा बना हुआ है। देखें भेलूपुर से संतोष कुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाए क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर खबर को अपलोड कर दें। नमस्कार।